वो यहाँ पर भी आ गया। गॉड, अरे वो यहीं आ रहा है। नीरजा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। हाँ? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो आपके शू लेस बांधना चाह रहा था और कुछ नहीं। क्या? जानती हो कल रात मेरे सपने में पवन पुत्र हनुमान आए थे। उन्होंने कहा अश्विन, नीरजा एक बहुत अच्छी लड़की है, उससे झगड़ा मत करो, जाओ और उससे जाके माफी मांगो। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। गेट अप गेट अप। प्लीज नीरजा जी माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल जाऊंगी? अरे मेरी जबान पर तेल लगा था इसलिए स्लिप हो जाती थी। आपको मुझे माफ करना होगा, नहीं तो मेरी जबान काट दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपको मेरी जबान काटनी होगी। माफ कर दो ना, नहीं तो ये सबके सामने हमारी नाक कटवाएगा। माफ कर दो ना, कर दो ना मैडम प्लीज। थैंक यू नीरजा जी, अब मेरे कलेजे को ठंड पहुंची। नाउ वी आर फ्रेंड्स। नो ओए झींगा। झींगा झींगा, आई एम झींगा। अरे वाह अच्छा है, मेरा फेस कट भी उससे मिलता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये मैं अच्छे से जानती हूँ, साफ साफ बोलो क्या बोलना है। यू गॉट मी डियर, यू गॉट मी, यू आर अ जीनियस। मुद्दा मुद्दा। ओके आई विल कम टू द पॉइंट। मेरी एक लव स्टोरी है। हर बेवकूफ के पास दो तीन लव स्टोरी होती है। नेक्स्ट। हम दोनों का अफेयर 4 साल पहले शुरू हुआ था। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर रोमियो जूलियट बिछड़ गए क्योंकि वो मुझे छोड़कर अमेरिका चली गई। उसके लिए तो अच्छा हुआ। पर अब उसका ट्रांसफर इंडिया में हो गया, वो वापस आ गई है बेचारी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, ना मैं उससे मिल सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ, पर मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरी इंदु का ट्रांसफर जहाँ हुआ है आप भी वहीं काम करती हैं। अब समझी, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूं? अरे नहीं, मैं ये काम आपसे क्यों करवाऊंगा, आपके लिए बस एक छोटा सा काम है, मुझे वहाँ जॉब दिलवा दो। व्हाट? सॉरी आई कांट हेल्प यू। ऑफ कोर्स यू कैन, इन फैक्ट आई नो यू कैन। कल रात मैंने वेबसाइट पर आपकी कंपनी में जॉब सर्च की, वहाँ पर 24 वैकेंसीज हैं, और जब मैंने वहाँ की HR मैनेजर की फोटो देखी। इसकी माँ का साकिना का बगल में बच्ची और शहर में ढिंढोरा। मेरे सामने साक्षात HR मैनेजर बैठी है और मैं जॉब के लिए दर दर भटकू। ये है मेरा कच्चा चिट्ठा, अगर आप चाह लेंगे HR जी तो इस आशिक को नौकरी मिल जाएगी और मैं इंदु के साथ दोबारा ट्यू करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं? 50,000 रोकड़ा। What? अच्छा, एक पेटी। आई कांट बिलीव दिस गाय। ओके ओके, मैं तुम्हें एक ऐसा बम्पर ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगी। एक पेटी और उसके साथ तनिष्क की 100 ग्राम की गोल्ड चेन, और साड़ी ऐसी दूंगा जो साड़ी में साड़ी होगी, पराग साड़ी। 10 साल शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम अपनी शादी में लोगों को बांट सकती हो। और एक एक्स्ट्रा ऑफर, मैं तुम्हें दूंगा गुची का परफ्यूम और बाटा के शूज, जिसकी कीमत कम से कम होगी 2 पेटी। डील ओके? डन करे? बहुत बढ़िया, पहले कॉफी पी लो। थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू। गोल्ड के लालच में आप बोल्ड हो गई। ये क्या नीरजा जी, ठंडी चाय मुझ पे फेंक दी। शट अप यू इडियट, तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगी? अगर तुम दोबारा मेरे पास जॉब के लिए आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम। हे नीरजा जी, कम जी। पापा स्वागत। नमस्कार जी। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल रही है तो थोड़ा तो इज्जत करें। लड़का लड़की का आपस में देखना, सगाई करना, ये सारी फॉर्मेलिटी से अच्छा है कि क्यों ना हम सीधे शादी की डेट फिक्स कर लें। आपकी क्या राय है? अब इसमें मैं क्या कहूँ, मैंने कभी आपको मना किया है क्या? लड़के को जल्दी भी है, ऐसा ही करते हैं, सही कहा ना पंडित जी? यजमान जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त निकालिए तुरंत। ए सुनना, तेरा काम तमा। मैंने उसके लोकल जूते के लेसेस बांधे, बिना किसी ओकेजन के उसे एक के बाद एक बम्पर ऑफर दिए, फिर भी वो नहीं मानी। नीरजा, ये तो उस लोफर की आवाज लग रही है। लगता है वो आवारा लड़का तेरे पीछे ही पड़ गया है। हे देख क्या रहा है, बजा रहे और देख अपने भाई का जलवा। शायद इस एरिया का कोई आवारा है जो रोड पे शोर मचा रहा है। वो आपकी बेटी का नाम लेके चिल्ला रहा है। ए राजू सर,
बाहर गेट के पास कोई तमाशा कर रहा है उसे भगाना। ठीक है सर। अब आप दोनों आपस में पत्रिका बदलिए और शादी की मुहूर्त तय कीजिए। ना धन ना दौलत मांगू, ना कोई शोहरत मांगू, मैं तो बस इतना मांगू नीरू फिर माला। पत्रिका बदलने? कैसे बदले? वो लड़का बाहर तमाशा कर रहा है और आपकी बेटी भी कुछ नहीं बोल रही, क्या चल रहा है? मतलब आप मेरी बेटी के ऊपर शक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई साहब, हम उस लड़के से हैरान हैं। तुम चुप क्यों बैठी हो, बोलो ना, क्यों नहीं बताते कि तुम उसे नहीं जानती? गोल्डन चांस, यही मौका है तेरे लिए शादी से बचने का। चुप क्यों हो, बोलो ना। मैं उसे जानती हूँ पापा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी बेइज्जती करने से अच्छा था कि एक बार अपनी बेटी से पूछ लेते। एनीवे, हमें शादी में जरूर बुलाना, चलते हैं। चलो बेटा। शिट। अब तो खुश हो ना, कर दिया ना अपने माँ बाप को बदनाम। हेलो भाई। हाँ, ये अच्छा तरीका है, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है, जाओ अंदर। हाँ? इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ की है। मैंने मना किया था कि इसे घर से बाहर जॉब के लिए मत भेजो, देख लिया क्या गुल खिलाया। Excuse me. अरे बाप रे, इसे अंदर आने की क्या जरूरत थी? अगर तेरे पापा को सच पता चल गया तो फोन को दोबारा बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर देंगे। नमस्ते दादी। गुड मॉर्निंग नीरजा, गुड मॉर्निंग शैलजा। हेलो सर। कौन हो तुम? हाँ? और बाहर क्यों आवारों की तरह नाच गाना कर रहे थे? वैसे आपका बायोडाटा? नीरजा के पापा है। ओह, नाइस टू मीट यू अंकल, मैं अश्विन। जानता हूँ, नीरजा ने बताया। तुमने अंकल को सब बता दिया, सुपर। एक्चुअली अंकल, मैं नीरजा का ऑफिस ज्वाइन। तुम घर जाओ। हम बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। तो तुम्हारी हाँ है ना? डील ओके? शट अप। तुम लोगों ने क्या सोचा अकेले फैसला कर लोगे? मैं अब भी जिंदा हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं अंकल? हमारी फैमिली में सारे फैसले यही लेते हैं बेटा। ओह, तो मैं आपसे बात करूंगा अंकल, आपके लिए 250 ऑफर। ऑफर? तुमने अंकल को मेरे ऑफर नहीं बताया। 100 ग्राम तनिष्क गोल्ड और साथ में साड़ी में साड़ी, पराग साड़ी। ये सब किस लिए? अरे अंकल, महंगाई का जमाना है, बेटी की शादी में काम आ जाएगा। शादी के लिए 100 ग्राम गोल्ड में क्या होता है बेटा, कम से कम बेटी का गला तो भरना चाहिए। क्या आंटी, मेरे बाप की कोई इलायची की खेती नहीं है। अंकल, जितना मैंने बोला है उतना तो मैं जरूर दूंगा, फिर आप इसे शादी में यूज करें या गोद भराई में, मुझे क्या? ए जी, ये तो गोद भराई की बात कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है, गोद भराई की बातें करके मुझे डराना चाहता है तू, ताकि मैं शादी के लिए मान जाऊं? शादी? मेरी बेटी के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना मार। प्लीज पापा। तू चुप रह। अंकल, लग रहा है आप 9 को 6 समझ रहे हैं। क्या 9 6 लगा रखी है? अरे आपको पता भी मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आया है एक्चुअली, मुझे नीरजा के ऑफिस में जॉब। उसे जाने दो, अगर आपने उसे कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी।